सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। आज हम क्लास 8th की एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तीनों पार्ट के, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है, तो जाके देखो यार बिना देर की हुए। अगर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी का काम क्या होता है? ब्लू ग्रीन अलगी क्या होता है पहले जान लो। जो बरसात के मौसम में मिट्टी पर काई जम जाती है उसी को हम ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये नाइट्रोजन की मात्रा को हवा से लेकर मिट्टी में नाइट्रोजन भरता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। आगे चलते हैं। अल्कोहल। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल किस चीज की मदद से बनता है? तो ईस्ट की मदद से बनता है अल्कोहल। नाउ कॉलरा इज कॉज्ड। कॉलरा किस वजह से होता है? कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो आई थिंक आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। पहला है कि ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट किस चीज के प्रोडक्शन में मदद करता है, मतलब ईस्ट के मदद से हम क्या बनाते हैं? तो ईस्ट के मदद से हम अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्कोहल, दारू बनाते हैं। नाउ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इन चारों में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, हमने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था, कुछ एंटीबायोटिक के नाम भी हमने दिए थे, उसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक था। तो याद रखना एंटीबायोटिक कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। आगे तीसरा सी वाला देख लेते हैं। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन। मलेरिया किसकी वजह से होता है? हम सबको पता है बहुत कॉमन सी चीज है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मच्छर है, फीमेल एनोफिलीज उसका नाम है, उसकी वजह से मलेरिया हमें होता है। नाउ डी वाला टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज किस इंसेक्ट की वजह से ज्यादा होता है? तो आप जानते हो आपके घरों में हाउस फ्लाई होते हैं, मच्छर होते हैं, जो क्या होते हैं कभी गार्बेज पे बैठते हैं, फिर हमारे खाना पे आके बैठते हैं, तो जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इस वजह से हाउस फ्लाई कौन क्या है? कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है। नाउ आगे चलते हैं। ई वाला द ब्रेड इडली डव राइजेस। अगर हम जो रोटी बनाएं तो रोटी का जो लोई होता है ना उसको अगर गूथ के रख दें तो कुछ देर बाद क्यों फूल जाता है? तो क्यों फूल जाता है? क्योंकि उसमें ईस्ट सेल्स आ जाते हैं, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स हो जाता है, इसलिए ब्रेड या इटली का जो लोई होता है वो फूल जाता है, राइज हो जाता है। समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। एफ वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जो सुगर अल्कोहल में बदलता है? तो ये आप सबको पता है, पढ़ाया था मैंने, इसको क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। सो अब मैच द फॉलोइंग हम देखते हैं। आपको कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी से। चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किससे मैच करेंगे हम? कॉजिंग कॉलरा। बैक्टीरिया कॉलरा डिजीज को पैदा करता है, तो हम कॉलरा से मैच कर देंगे। सेकेंड राइजोबियम। राइजोबियम का काम क्या होता है? ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। राइजोबियम जड़ों में होता है, पेड़ों के जड़ों में राइजोबियम होता है, और एनवायरमेंट से वो नाइट्रोजन लेके प्लांट्स को सप्लाई करता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। लैक्टोबैसिलस का काम क्या है? लैक्टोबैसिलस दही बनाने के काम में आता है। ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट हमारा बेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के काम में आता है। प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन कॉजिंग मलेरिया। प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। जो हमारा फीमेल एनोफिलीज है ना वो प्रोटोजोआ ही है। नाउ आगे देख लेते हैं। वायरस। वायरस की वजह से क्या होता है? एड्स होता है। एचआईवी वायरस की वजह से हमारा एड्स होता है। तो ये जो हमारा प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स बचा हुआ है इसका कोई यूज नहीं है, इससे हम किसी चीज को मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं हम कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आइज। क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खुली आंखों से देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो हम उनको किस चीज की मदद से देख सकते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टू स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, दे कैन नॉट सीन विद नेकेड आइज। वो खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते। वो केवल किस चीज की मदद से देखे जा सकते हैं? या तो मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की मदद से हम माइक्रो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से मुख्य ग्रुप्स होते हैं। तो मेनली 5 ग्रुप्स होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इसमें से पहला हमारा कौन सा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज पैदा करता है। दे कैन बी स्पाइरल और रॉड शेप्ड, और इनका साइज, शेप साइज कैसा होता है? ये स्पाइरल शेप के भी होते हैं, मतलब ऐसे घुमावदार भी होते हैं, और लंबे लंबे रॉड शेप के भी होते हैं। फंगी, फंगी हमारा दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब हम इंसानों की तरह, जिनमें सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ब्रेड माउल्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी। आप जानते हो ब्रेड, जो ब्रेड होता है हमारा, ये ब्रेड आपने कभी देखा होगा तो उसमें ग्रे कलर की परत पड़ जाती है अगर बहुत दिन तक रखा गया है तो उसी ग्रे कलर के लेयर को हम क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। आगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या है? अब दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स सच एस अमीबा, प्लाज्मोडियम। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। प्रोटोजोआ, अमीबा और प्लाज्मोडियम जैसे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोटोजोआ कैटेगरी में आते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब केवल सिंगल सेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनके अंदर एक सेल भी हो सकता है, कभी कभी ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। नाउ वायरस, वायरस क्या होता है? हमारा चौथा ग्रुप है वायरस। वायरस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट रिप्रोड्यूस ओनली साइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस एक ऐसी बीमारी पैदा करने वाली माइक्रोब है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि जिसको किस चीज की जरूरत पड़ती है? होस्ट ऑर्गेनिजम्स की। मतलब जो वायरस होता है ना, वो या तो इंसानों में या प्लांट्स में या जानवरों में ही रहकर जिंदा रह सकता है, नहीं तो अगर ये अकेले रहा तो ये कुछ घंटे बाद मर जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस अगर लोहे पे हो गया 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद वो कोरोना वायरस वहाँ से ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो इंसान के अंदर है तो वो पूरी लाइफ टाइम जिंदा ही रहता है। नाउ आगे देख लेते हैं हम, वायरस हो गया हमारा। अल्गी, अब अल्गी क्या है? अल्गी हमारा पांचवा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस का मतलब ही जानते हो ना, ये एक्चुअली सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आकर काम करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं स्पायरोगेरा, ठीक है, क्लैमोडोमोनास, ये सब हमारी अल्गी में आते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो हवा से नाइट्रोजन को घींच के क्या कर सकता है? मिट्टी में ला सकता है। वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो राइजोबियम हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया, ब्लू ग्रीन अल्गी, काई हो गई हमारी। ये 3 ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 7वां, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा 7th क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, इनका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में, इस पर हमें 10 लाइन लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूज़ क्या है हमारा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि दही बनाने के काम आता है, तो पहला हमारा यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ क्या है हमारा? राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि पौधों के जड़ों में फिक्स होता है, जैसे हमारा दाल का खेती हो गई, इन सब पौधों में राइजोबियम पहले से ही उनकी जड़ों में रहता है। वो हवा से नाइट्रोजन को खींचकर इनके जड़ों में लाता है और प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देता है। तो ये हमारा दूसरा यूज हो गया। तीसरा यूज क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कई खाने वाली चीज़ों में भी होता है, जैसे वाइन, दारू बनाने में, बेकिंग, बिस्किट हो गया, ब्रेड वेड बनाने में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ होता है, पिकलिंग अचार बनाने में, या बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाते हैं। जैसे हमारी दही हो गई, ये भी लैक्टोबैसिलस इसमें काम करता है, तभी तो दही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल भी किस चीज़ की मदद से बनता है? ईस्ट की मदद से बनता है, तो ये भी हमारा एक यूज़ हो गया। नाउ माइक्रोब्स,
देख लेते हैं यहाँ पे, माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन। हमें पहले भी हमने बताया था आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, वो क्या करते हैं वो पोल्यूशन को हटाते हैं। कैसे? जैसे ये डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब वेस्टेस को, जैसे हमारे एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, इनको बैक्टीरिया और फंगी क्या करती है, ब्रेक डाउन डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटा टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो वेस्ट होते हैं, जो एनिमल वेस्ट होती है या ह्यूमन वेस्ट होते हैं, इनको डीकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, ये मिट्टी मिल जाता है और हमारा इन्वायरमेंट साफ सुथरा हो जाता है। नाउ अगला यूज इसका क्या होता है, माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज दवाई बनाने में भी होता है, जैसे कि कई एंटीबायोटिक्स का यूज, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल बैक्टीरिया। अब एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो कि केमिकल की मदद से बनती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक मेड फ्रॉम पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक बैक्टीरिया का नाम है जिससे एक एंटीबायोटिक बनाई गई है, जिसका क्या नाम है, पेनिसिलिन। हम जानते हैं पेनिसिलिन हम तो लगाते ही हैं अपने यहाँ पर। नाउ आगे क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन एंड रिलीज विटामिन बी विच इज एब्जॉर्ब बाई इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतों में ना एक ऐसा बैक्टीरिया यूज होता है, एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो कि खाना को पचाता है और विटामिन बी को भी रिलीज करता है, जो कि वापस इंटेस्टाइन जो हमारी आते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, डाइजेस्ट कर लेती हैं। अब आगे क्या होता है, मेनी वैक्सीन, कई टीका जो होते हैं, वैक्सीन्स जो होते हैं, जैसे पोलियो का टीका हो गया और एचआईवी का टीका हो गया, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाई जाती हैं और ये जो दवाइयाँ होती हैं ना, आर गिवन टू चिल्ड्रेन, बच्चों को दिया जाता है ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो। जैसे दो बूंद जिंदगी की 5 साल से कम एज वाले बच्चों को दिया जाता था ना, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से बनाया जाता है। आगे देख लेते हैं हम, सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। कुछ ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सीवेज नालियों को और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब जो इंडस्ट्री से निकला हुआ जो कचरा होता है उसको साफ करने में हमारा मदद करते हैं। ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग इडली ब्रेड पेस्ट्री एंड केक। ईस्ट का यूज हमारा ब्रेड बनाने में, इडली बनाने में, पेस्ट्री बनाने में और केक बनाने में यूज होता है। तो हमने देख लिया यहाँ पर 10 यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारी जिंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या यूज है, हमने 10 पॉइंट्स में इन्हें देखा। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ेंगे कि पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉस्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सा नुकसान होता है हमारे शरीर को, हमारे इन्वायरमेंट को, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम एनिमल्स में और जानवरों में क्या करता है, डिजीज बीमारी पैदा करता है। जैसे कि हम अगर देखें तो ह्यूमन्स में बैक्टीरिया कुछ डिजीजेस पैदा करता है, जैसे कि टीबी हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। जानवरों में, इन कैटल, जानवरों में जो उनके मुंह का बीमारी होता है, उनके पैरों में जो बीमारी होती है, वो सब वायरस की वजह से होता है। ऑल्सो सेवरल माइक्रोब्स, और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पौधों में भी बीमारी पैदा करते हैं, जैसे कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, ऑरेंज, एप्पल एसेट्रा इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द माइक्रोबियल डिजीजेज इन प्लांट्स। और जैसे कि हमारा जो गेहूं की खेती हो गई, संतरों की खेती हो गई, सेब की खेती हो गई, अगर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं ना, तो क्या होता है, इनके प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ता है, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो सकता। जैसे जहां पर 2 किलो सेब उगना था, वहां पर 1 ही किलो सेब उगेगा। तो इस वजह से, इस तरीके से ये इन सारे प्लांट्स के प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आगे देख लेते हैं हम, सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग आवर बॉडी, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी शरीर में इंटर करते ही ना क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही नुकसानदायक पदार्थ निकालते हैं। दिस लीड्स टू फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई खाना है, बर्गर है, कोई भी है, अगर खुला रखा गया है, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं।
अब ये इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ह्यूमन खाता है। अब जब ह्यूमन खाएगा इन सारी चीज़ों को तो वो क्या पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, इल हो जाएगा। ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस स्पॉइल और फूड, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जैसे कि फंगी हो गया हमारा, वो हमारे खाने को खराब कर देती है। जैसे कि ब्रेड, ब्रेड को खराब करता है क्या, फंगी, हमने पहले भी बताया था। व्हेन लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस गेट स्पॉइल्ड बाय फंगस, अगर हम ब्रेड को, रोटी को या ब्रेड को खुला छोड़ दें तो वो फंगस उन्हें खराब कर देता है, उनमें ग्रे कलर की लेयर जम जाती है, प्रोड्यूसिंग अ वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द ब्रेड। हमने पहले भी बताया कि ग्रे कलर की लेयर उस ब्रेड पर पड़ जाती है अगर हम ब्रेड को खुला छोड़ देते हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेते हैं। इसमें क्या है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, हमें एंटीबायोटिक लेते टाइम कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक क्या होता है, द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कॉल्ड एंटीबायोटिक। अब जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, बुराइयों से लड़ने के लिए ना अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई बीमारियों की बीमारियों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ता है। ये एक ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बीमारी पैदा करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकती हैं, उन्हें और बढ़ने नहीं देती हमारे शरीर में, इन्हीं को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे कि हमारा कुछ एंटीबायोटिक का क्या नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, अर्थ्रोमाइसिन ये भी एक क्या है, एंटीबायोटिक है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। ये कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी जो एंटीबायोटिक हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बनाई जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा पैदा किए जाने वाले डिजीजेस को वो ठीक करती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई हमें जो बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पैदा करती हैं उससे हमें ठीक करता है। कौन ठीक करता है, एंटीबायोटिक्स। आगे देख लेते हैं कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एंटीबायोटिक को यूज करते टाइम। तो पहला क्या है, दीज मेडिसिन शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है केवल उसी की सलाह से हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर ने जितने महीने का कोर्स बोला है उतने महीने का कोर्स पूरा करके ही हमें एंटीबायोटिक लेना छोड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें 3 महीने तक लगातार एक दवा सुबह और शाम खानी है, तो आपको 3 महीने सुबह शाम रोज वो दवा खानी पड़ेगी, नहीं तो अगर आप कोर्स पूरा नहीं करते हो तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। चलो आगे देख लेते हैं क्या होता है, इफ एनीबॉडी टेक्स एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो फालतू का एंटीबायोटिक्स खाया जा रहा है बिना किसी बीमारी के, तो उसकी जो बॉडी होती है, जो उसका शरीर होता है ना, डेवलप रेजिस्टेंस, वो एंटीबायोटिक के असर को कम करने लगता है। मतलब कि आप जब कभी बीमार भी पड़ेंगे ना, तब आप अगर एंटीबायोटिक खाएंगे तो तब भी वो असर नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हमें कहा जाता है ना कि तुम दवाइयां बार बार ना लो, क्यों ना लो, क्योंकि हमें उन दवाइयों की आदत पड़ जाएगी तो हमें वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, वो दवाई हमारे शरीर में जाने के बाद काम नहीं करेगी। सो तो हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हमने सारे क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग और पूरा फिल इन द ब्लैंक्स हमने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना यार इस वीडियो का। ये जो पूरा PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर लेना और याद कर लेना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।